हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के लेक्चर्स में आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और उसके बाद मेल और गैमीट, फीमेल गैमीट का मिलना, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है, एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट बनता है। अब उस डिप्लॉयड सेल जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म का या उसके इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है। तो इम्ब्रियो या उस जो ऑर्गेनिज्म है वो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जाइगोट क्या है? एक सेल है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। तो उस यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा? जाहिर है कि जब उसमें डिवीजन हो, उस जाइगोट का डिवीजन हो, उसमें क्लीवेज हो, तब उस एक सेल से कई सेल बनेंगे। ठीक है, तो जाइगोट के डिवीजन को, जो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, कई सारे एक के बाद एक डिवीजन होंगे, इस प्रक्रिया को हम क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के बाद जो पहला स्ट्रक्चर बनता है उसे हम मोरूला कहते हैं। लेकिन मोरूला के बाद फिर एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो क्लीवेज के बाद जब क्लीवेज हो जाता है, उसमें मोरूला बन जाता है, उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसको हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तो ये क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन एक टॉपिक माना जाता है, यानी जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज शुरू होता है और एक स्टेज ब्लास्टुला बनने तक की स्टेज को हम क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों प्रक्रियाओं को देखेंगे कि जाइगोट का कैसे माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्लीवेज होता है और उसके बाद उससे ब्लास्टुला कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्लीवेज के बारे में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लें। ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टीसेलुलर एनिमल्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। यानी जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ कहां से शुरू होती है? एक सिंगल सेल से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट में क्या होता है? दिस सिंगल सेल जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स। एक के बाद एक माइटोटिक डिवीजन की एक सीरीज चलती है, जिससे कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के पहले, बीच में पहले एक स्ट्रक्चर मोरूला कहलाएगा, उसके बाद फिर वो ब्लास्टुला बन जाएगा। इसी सीरीज ऑफ दीज माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद इस क्लीवेज की कुछ मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात कि जो क्लीवेज में डिवीजन होते हैं वो सब कैसे डिवीजन होते हैं? माइटोटिक। दो ही तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोटिक और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस, तो यहां कोई मियोसिस नहीं होनी है, यहां पर माइटोसिस होनी। ठीक है, तो ऑल डिविजन्स ऑफ क्लीवेज आर माइटोटिक। रेट ऑफ क्लीवेज कितना तेज हो गया, ये डिविजन्स कितने तेज हो गए, ये एक कई चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उस स्पीशीज पर, किसी हर स्पीशीज का रेट अलग अलग होगा, उसके एग में कितना योक है और टेम्परेचर कितना है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। माइटोसिस में हम जानते हैं कि हर दो माइटोसिस के बीच में एक इंटरफेज होता है, हर दो माइटोसिस के बीच में एक इंटरफेज होता है। ठीक है, उस इंटरफेज में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, G1S G2। तो ये इंटरफेज के तीन सब स्टेजेस हैं, G1S G2। तो क्लीवेज में क्या होता है कि G1 और G2 बहुत शॉर्ट होता है। एस तो होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन तो जरूरी है, वो तो होगा, लेकिन कोई ग्रोथ फेज नहीं होती है। बहुत जल्दी जल्दी ये डिवीजन होता है, इसलिए ग्रोथ नहीं होती है। यानी सेल, साधारण माइटोसिस में क्या होता है कि किसी सेल को जब डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के पहले उसकी ग्रोथ होती है, लगभग साइज दोगुनी हो जाती है। और फिर जब डिवीजन होता है तो जो दो सेल बनते हैं वो मदर सेल के लगभग बराबर होते हैं। एक सेल जो छोटा सा था वो पहले बड़ा हुआ इतना, फिर उसमें डिवीजन हुआ तो फिर दो छोटे छोटे सेल बन गए, ये दोनों से लगभग उतने बड़े सेल बने
जितने बड़ी उनकी मदर सेल। तो हर डिवीजन के पहले माइटोसिस में, साधारण माइटोसिस डिवीजन के पहले ग्रोथ होती है। साधारण माइटोसिस कहाँ कहाँ से होती, कहाँ होती है, जैसे जब हमारा शरीर बढ़ता है, हमारे शरीर में जो साधारण माइटोसिस होती है सेल्स में, ये माइटोसिस है, यहाँ डिवीजन के पहले ग्रोथ होती है। जब कहीं हीलिंग की प्रक्रिया होती है वहां माइटोसिस होती है, वहां भी माइटोसिस के पहले ग्रोथ होती है। लेकिन क्लीवेज के दौरान जो माइटोसिस होती है, इसमें माइटोसिस के पहले ग्रोथ नहीं होती है। नतीजा क्या होता है, एक सेल अगर इतना बड़ा था, ग्रोथ तो हुई नहीं, दो में डिवाइड हुआ तो दो छोटे छोटे सेल बन गए। फिर अब इसका डिवीजन होगा तो ये और छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, फिर इनका डिवीजन होगा तो और छोटे छोटे सेल बन जाएंगे। यानी हर डिवीजन के बाद सक्सेसिवली सेल्स की साइज छोटी होती जाती है। ठीक, तो जितना बड़ा जायगोट था वो डिवाइड हुआ दो सेल में, तो दो सेल तो बने लेकिन साइज क्या, दोनों की मिला के साइज, टोटल साइज वही जो जायगोट वाली साइज है। फिर दो सेल से चार सेल बने, एक और डिवीजन हुआ। अब चार सेल की साइज क्या होगी, टोटल सेल, टोटल साइज चारों सेल की, चारों सेल की टोटल साइज वही होगी जो जायगोट की थी। यानी जायगोट एक सेल था, उसे दो सेल बना, चार सेल बना, आठ सेल बनेगा, सोलह सेल बनेगा, लेकिन हर बार टोटल जो साइज है जायगोट जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रह जाएगा। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि आप एक सेब ले लीजिए, एक पीस है वो, उसको दो टुकड़े में काट दीजिए, दो पीस हो गया, टोटल सेब की साइज वही है। एक और बार काट दीजिए, चार पीस हो गया, चारों पीस की साइज क्या है, वही है जो सेब की साइज थी ओरिजिनली। फिर ऐसे काट दीजिए सेब को, आठ पीस हो गए। अब आठों पीस की जो टोटल साइज है वो क्या होगी, एक सेब। तो जैसे जैसे पीसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हर पीस की साइज छोटी होती जा रही है। पीस की संख्या बढ़ती जा रही है सेब में, लेकिन उसके साइज की, उन पीसेस की जो साइज है वो छोटी होती जा रही है। यही क्लीवेज में होता है, जैसे जैसे डिविजन्स होते जाते हैं, ब्लास्टोमियर्स की संख्या तो बढ़ती जाती है, सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जो उनकी साइज है वो सक्सेसिवली छोटी होती जाती है। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंटरफेज बहुत छोटा है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, और यही माइटोसिस से इसका मुख्य अंतर है। While in mitosis, every division is preceded by growth. साधारण माइटोसिस में हर डिवीजन के पहले ग्रोथ है, क्लीवेज में नो ग्रोथ occurs. और आगे करेक्टरिस्टिक्स हम देखें, जो अर्ली डिवीजन, अर्ली क्लीवेज डिवीजन होते हैं, यानी जब जायगोट है एक से दो में बना, दो से चार में बटा, चार से आठ में बटा, दीज आर अर्ली क्लीवेज डिवीजन। तो ये सिंक्रोनस होते हैं, सिंक्रोनस मतलब एक सेल था दो में बटा। ठीक, अब वो जो दोनों है वो फिर दोनों, अगला डिवीजन दोनों में साथ साथ होगा, दोनों में साथ साथ होगा, यानी दोनों एक साथ डिवाइड होंगे चार सेल। अब चार सेल बन गए, अब चारों में एक साथ डिवीजन होगा, ऐसा नहीं है कि दो में पहले हो गया दो में बाद, चारों में एक साथ डिवीजन होगा। तो जो अर्ली क्लीवेज डिवीजन्स होते हैं ये सिंक्रोनस साथ साथ होते हैं, बाद में जो डिवीजन्स होते हैं वो धीरे धीरे एसिंक्रोनस होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हम बता दें कि जो सिंक्रोनी का नियम है ये हर जगह लागू नहीं होता है, कुछ एनिमल में शुरू में भी एसिंक्रोनस हो सकता है। ठीक है, 100% ये नियम नहीं लागू। और करेक्टरिस्टिक्स देखें, क्लीवेज कंटिन्यूज अंटिल द एवरेज सेल साइज रीचेस दोज ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ दैट स्पीशीज। क्लीवेज कब तक चलेगा, जायगोट तो बड़ा सा था, डिवीजन होता जा रहा है, छोटे छोटे साइज के सेल बनते जा रहे हैं, वो कब तक, ये तब तक डिवीजन चलते रहेंगे जब तक कि हर सेल की साइज इतनी छोटी ना हो जाए जितनी की वास्तव में उस स्पीशीज के सेल्स की साइज होती है, उसके एम्ब्रियो की में हर सेल की साइज जो होनी चाहिए वहां तक जब वो साइज छोटी होकर पहुंच जाती है तब तक ये क्लीवेज चलता रहता है। कितनी बार डिवीजन होगा, क्लीवेज में कितने बार डिवीजन होंगे, ये उस एग या जायगोट की साइज पर डिपेंड। अब जायगोट की एक विशेष बात होती है कि जायगोट में जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम होता है, का रेशियो होता है, जायगोट इज अ ग्रेटली डिस्टॉर्टेड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म।
न्यूक्लियस के वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ये साधारणतया सेल्स में 1/5, 1/6 ऐसे होना चाहिए। यानी कि अगर जितना साइटोप्लाज्म है उसका 1/6 हिस्सा 1/5 हिस्सा न्यूक्लियस का हो वॉल्यूम, लेकिन जाइगोट में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है न्यूक्लियस की तुलना में। अब जैसे सी अर्चिन का उदाहरण लें तो 1/1 550, यानी जितना एक जो है वो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है ठीक, तो उसका न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है उसके 550वां हिस्से के बराबर, 550वें हिस्से के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के 550 गुना अधिक होता है। तो दिस इज हाईली डिस्टॉर्टेड रेशियो, ठीक है। तो क्लीवेज के दौरान क्या होता है कि इस रेशियो को ग्रेजुअली ठीक किया जाता है, जो 1/550 है इसको घटाते 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 1/5, 1/6 पर लाया जाएगा, ठीक, जो जो सामान्यतः न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है। ड्यूरिंग क्लीवेज टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेंस द सेम, ये हमने आपको बताया था, जाइगोट जितना बड़ा उतना ही बड़ा रहेगा पूरे एम्ब्रियो का साइज, जबकि सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्लीवेज के दौरान जो सेल्स ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये मूव भी नहीं करते हैं, दे डू नॉट मूव। इसलिए क्या होता है कि जो शेप होता है टोटल, जैसे जाइगोट का जो शेप है लगभग अगर स्फेरिकल है तो ब्लास्टुला बनने तक या मोरूला बनने तक वो लगभग स्फेरिकल ही रहेगा। यानी साइज तो नहीं ही चेंज हुई, शेप भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी कोई सेल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट कब होगा? ब्लास्टुला बनने के बाद जब गैस्टुलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तब मूवमेंट शुरू होगा। तो क्लीवेज का नतीजा क्या हुआ? क्लीवेज से क्या हुआ? क्लीवेज कन्वर्ट द एग, एग जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब आप फर्टिलाइज्ड एग मतलब समझिए, और यानी जाइगोट है ना, सामान्यतः हम उस जाइगोट को एग भी कह लेते हैं, क्योंकि एग का मतलब हम समझते हैं, जो हम अंडा सामने देखते हैं तो वो फर्टिलाइज अगर होता उसको भी हम एग ही कहते हैं। तो यहां एग से मतलब फर्टिलाइज्ड एग से, यानी जाइगोट से। क्लीवेज कन्वर्ट्स एग इनटू सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स कॉल्ड मोरूला। क्लीवेज का प्रोडक्ट क्या हुआ? पहला मोरूला। अब क्लीवेज एक और काम करता है, क्लीवेज से एक जाइगोट एक सेल से कई सेल बने, उन सेल्स का जो है वो क्या भविष्य होगा एम्ब्रियो में ये भी तय होता है। क्लीवेज आल्सो डिटरमाइंस द फेट ऑफ द सेल्स। फेट ऑफ द सेल्स मतलब ये सेल्स एपिडर्मिस में जाएगा, ये सेल ये ऑर्गन बनाएगा, ये सेल ब्रेन बनाएगा, ये सेल उसका मेसोडर्म बनाएगा, ये एंडोडर्म बनाएगा, ठीक है। जो सेल्स का फेट, क्या फेट, ये क्लीवेज के दौरान धीरे धीरे डिटरमिन होता है, कुछ है सभी में नहीं, आगे हम लोग। तो यहाँ एक बार क्लीवेज और सामान्य माइटोसिस का कंपैरिजन है, वही सब बातें हैं जो आप बता चुके हैं हम। यहाँ क्लीवेज में डिवीजन आर नॉट प्रोसीडेड बाय ग्रोथ, डिवीजन के पहले ग्रोथ नहीं होता है, माइटोसिस में डिवीजन के पहले ग्रोथ है। क्लीवेज में इंटरफेस छोटा है, माइटोसिस में लंबा है। क्लीवेज में एक और अंतर जो बताना अभी रह गया, क्लीवेज में द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में जरूरी नहीं है कि ये हमेशा न्यूक्लियस डिवीजन के बाद तुरंत साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं। रेट ऑफ क्लीवेज, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में रेट ऑफ क्लीवेज रैपिड होता है, ठीक। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में रेट ऑफ क्लीवेज कैसा होता है? रैपिड होता है, ठीक। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है ये स्लो होता जाता है। गोल्ड फिश का एग्जाम्पल दिया गया है, क्लीवेज का रेट 20 मिनट के बाद होता है, फ्रॉग में 1-1 घंटे पर डिवीजन होता है, माउस में 10-12 घंटे के बाद होता है। क्लीवेज का रेट जनरली साइटोप्लाज्म और लोब से डिटरमिन होता है। अब हम आए क्लीवेज के डिफरेंट टाइप्स पर, प्लेन सब, यानी एक जाइगोट है तो जो क्लीवेज है वो उसको, यानी कि जाइगोट को ऐसे कटना है, कहाँ कहाँ से ये कट लगता है, प्लेन होता है क्लीवेज का, ये कहाँ कहाँ से? तो ये कई तरह के प्लेन्स हैं, मेरिडियोनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल, हम लोग इसको डायग्राम में समझेंगे आगे तो तुरंत समझ जाएंगे।
मेरिडियोनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल और चौथा है लैटिट्यूडिनल। इसको हम लोग डायग्राम में देखें, देखिए ये एक एग है। एग के जनरली दो पोल होते हैं, एनिमल पोल जिसको हम ए से डिटरमिन डिनोट करेंगे और वेजिटल पोल जिसको बी से। एनिमल पोल वो होता है जिधर साइटोप्लाज्म अधिक है, जिधर न्यूक्लियस है, और वेजिटल पोल वो होता है जिधर योक अधिक हो सकता है। तो एनिमल पोल से वेजिटल पोल, इसको हम एनिमल वेजिटल एक्सिस कहते हैं। लेकिन यहाँ जो रेड कलर की लाइन है ये क्लीवेज प्लेन है, यानी यहाँ से इसका डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर डिवीजन कहाँ हो रहा है, बिल्कुल एनिमल वेजिटल एक्सिस के सेंटर से गुजर रही है ये लाइन। क्लीवेज प्लेन कहाँ से गुजर रही है, एनिमल वेजिटल एक्सिस के सेंटर से गुजर रही है। ठीक है, तो पहली चीज कि जो क्लीवेज प्लेन एनिमल वेजिटल एक्सिस के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरे, और नतीजा क्या होगा, जाइगोट दो बराबर भागों में बट जाएगा, दो इक्वल हाफ्स में बट जाएगा। ऐसे डिवीजन को, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं मेरिडियोनल प्लेन। मेरिडियोनल प्लेन की क्या विशेषता है, देखिए ये कहां से पास हो रहा है, इट पासेस राइट थ्रू द सेंटर ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सिस। पहला तो ये हो गया शर्त, एनिमल वेजिटल एक्सिस से गुजरे। दूसरी शर्त क्या, कि इस पूरे जाइगोट को दो बराबर हाफ्स में बांट दे। ठीक, और दूसरा वर्टिकल प्लेन, इसमें क्या है, इसमें भी ये रेड कलर की लाइन है, ये क्लीवेज प्लेन है। आप देख रहे हैं ये गुजर रहा है एनिमल वेजिटल एक्सिस के साथ ही, ठीक, एनिमल वेजिटल एक्सिस के लग पैरेलल ही गुजर रहा है, लेकिन उसके सेंटर से नहीं गुजर रहा है, प्लेन सेंटर से नहीं गुजर रहा है। नतीजा क्या, कि इस के फलस्वरूप जो जाइगोट से दो सेल बनेंगे वो बराबर साइज के नहीं होंगे, एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा। तो यहाँ क्लीवेज प्लेन कहाँ से गुजर रहा है, ये भी एनिमल वेजिटल एक्सिस है लेकिन उसके सेंटर से नहीं, सेंटर से दाहिने या बाएं हट, ठीक, और जो दो सेल बनेंगे वो अनइक्वल साइज के। सो दिस इज वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल प्लेन। हियर द क्लीवेज प्लेन पासेस थ्रू द राइट एंगल ऑफ एनिमल वेजिटल एक्सिस, दिस इज एनिमल वेजिटल एक्सिस, एनिमल वेजिटल एक्सिस, एंड द क्लीवेज प्लेन इज पासिंग एट राइट एंगल थ्रू द एनिमल वेजिटल एक्सिस, एंड इट इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग द एग इन टू टू इक्वल हाफ। इसके भी फलस्वरूप दो बराबर भाग में जाइगोट बट रहा है। सो दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इक्वेटर, equator of the egg, and the next is latitudinal plane। यहाँ क्या हो रहा है कि ये क्लीवेज प्लेन है, ठीक है। अब अगर यहाँ हम एनिमल वेजिटल एक्सिस से खींच दें तो यहाँ देखेंगे कि ये क्लीवेज प्लेन अभी भी उसके 90 डिग्री पर गुजर रहा है। दिस इज द एनिमल वेजिटल एक्सिस एंड क्लीवेज प्लेन इज पासिंग एट द राइट एंगल ऑफ एवी एक्सिस, बट इट इज नॉट डिवाइडिंग द एग इंटू टू इक्वल हाफ्स। एग को ये दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, ठीक है। इस तरह के हम प्लेन को लैटिट्यूडिनल प्लेन कहते हैं। अब ये तो प्लेन ऑफ क्लीवेज हो गया, लेकिन इसके अलावा जब इम्ब्रियो बन के तैयार होता है, क्लीवेज के बाद जो इम्ब्रियो बनता है उसमें कुछ सिमेट्री होती है, कहीं रेडियल सिमेट्री है, कहीं बाई रेडियल सिमेट्री है, कहीं बाइलेटरल सिमेट्री है, कहीं स्पाइरल सिमेट्री। ये जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री को आप समझते होंगे, आप थोड़ा सा एक बार उसको देख लीजिए फिर से रिवाइज कर लीजिए, कि रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें कि हम एनिमल को ले लें, एक एनिमल है जैसे जैसे कि समझ जाइए कि एक लड्डू है बिल्कुल, और उसको आप कहीं कई जगह से जहां से आप चाहें काटें बीच से, और वो दो बराबर आइडेंटिकल हाफ्स में बटेगा, ठीक, तो वो रेडियल है। लेकिन इसके अलावा एक बाई रेडियल होता है। बाई रेडियल में क्या है कि जैसे लड्डू ना हो करके वो एक समझ जाइए कि जैसे बॉटल है, पानी की बॉटल, तो उसको आप क्या है कि वर्टिकली जो है आप कई प्लेन ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप काटेंगे तो वो दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ठीक है, जैसे ये टीनो फोरा। और इसके अलावा जो स्टार फिशेज या काइनोडर्म्स वगैरह होते हैं उनमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है, टीनोफोरा में बाई रेडियल क्लीवेज, और हम लोगों में कैसा, हम लोगों में है बाईलैटरल क्लीवेज,
हम लोगों का बस एक प्लेन, एक ही प्लेन है जहां से अगर हम लोग को काटा जाए तो हम लोग दो बराबर आइडेंटिकल हिस्सों में बट जाएंगे। तो ये जो इम्ब्रियो का सिमेट्री है, इम्ब्रियो की जो सिमेट्री है, ये सिमेट्री क्लीवेज के समय ही डिसाइड हो जाती है। कैसे होती है? जैसे किसी इम्ब्रियो में रेडियल क्लीवेज दिख रहा है तो वो उसमें क्या हो रहा है, क्लीवेज कैसे हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि हर सक्सेसिव प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पर हो रहा है क्लीवेज। जैसे पहला क्लीवेज ऐसा हुआ तो दूसरा क्लीवेज ऐसा हो, ठीक, राइट एंगल पर, तीसरा ऐसे होगा, ठीक। यानी हर क्लीवेज प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पर, एक ऐसे कटा तो दूसरा ऐसे कटेगा, फिर दूसरा ऐसे होगा तो तीसरा ऐसे कटेगा, ठीक। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब भी जो क्लीवेज प्लेन गुजर रहा है वो कहां से गुजर रहा है, अपने पिछले क्लीवेज प्लेन के राइट एंगल पर। अगर हर बार यही बात हो रही है तो जो इम्ब्रियो बनेगा उसमें रेडियल सिमेट्री होगी। अब दूसरा है बायरेडियल। बायरेडियल में क्या होता है कि इसमें पहले तीन क्लीवेज प्लेन्स जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पर नहीं होते, पहले तीन क्लीवेज प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पर नहीं। स्पाइरल क्लीवेज इसमें क्या होता है, इसमें हर डिवीजन के बाद, हर डिवीजन के बाद जो सेल के भीतर के जो ऑर्गेनल्स मुख्य रूप से माइटोटिक स्पिंडल, वो स्पाइरली घूम जाता है, वो टिल्ट कर जाता है। पहली बार ऐसा हुआ ना, अब दूसरी बार जो उसके माइटोटिक स्पिंडल होगा वैसे घूम जाएगा, तो अब क्लीवेज प्लेन ऐसे होगा, फिर ऐसे, हर बार वो घूमता जाता है। और बाइलेटरल क्लीवेज में क्या होता है कि एक बार क्लीवेज दो हुआ, दो दो हिस्से बटे, ठीक। अब उसके बाद दोनों तरफ का, जरूरी नहीं है कि अब सब राइट एंगल पर होगा, कैसे भी होगा, लेकिन जैसे भी होगा वो दोनों तरफ बराबर, यानी एक बार डिवीजन हो गया, एक से ऐसे दो में बट गया, अब जैसा इधर हो रहा है वैसा इधर हो रहा है, 90 डिग्री पर हो नहीं हो चलेगा, जैसा इधर हो रहा है वैसा इधर हो रहा है, इस केस में बायलैटरल क्लीवेज। अब जैसे एक डायग्राम रेडियल क्लीवेज का आप देख लीजिए, रेडियल क्लीवेज में क्या हो रहा है, ये एक क्लीवेज हुआ, दूसरा इसके 90 डिग्री पर, ठीक, हर बार जो भी हो रहा है इसके 90 डिग्री पर, तो ये रेडियल क्लीवेज प्लेन। और स्पाइरल क्लीवेज प्लेन में हर बार डिवीजन के बाद ये टिल्ट कर जाते हैं, जो माइटोटिक स्पिंडल है ये टिल्ट कर जाते हैं, ये ऐसे घूमे, फिर देखिए अब ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, हर बार ये टिल्ट करते जा रहे हैं, इसलिए इसमें घूमी हुई सिमेट्री दिखती है। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि लोअर एनिमल्स में क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट का मतलब है क्लीवेज में जाइगोट से दो सेल बना, दो से चार सेल बना, अब उन दोनों सेल का या चारों सेल का भविष्य बिल्कुल अभी ही तय है कि ये क्या बना सकता है, जो उसकी क्षमता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं या पोटेंसी कह सकते हैं या पोटेंशियल कहते हैं। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि जो सेल्स की यानी जो ब्लास्टोमियस की जो क्षमताएं हैं वो पहले ही डिटर्मिन हो जाती हैं, पहले ही मतलब शुरू में, टू सेल स्टेज में, फोर सेल स्टेज में, एट सेल स्टेज में डिटर्मिन हो जाती है कि इसको क्या बनाना, वो वही बनाएगा, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं बना सकता है, इसको हम डिटर्मिनेट क्लीवेज। लेकिन हायर एनिमल्स में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, जैसे वर्टिब्रेट में खासतौर से इनडिटर्मिनेट, यानी एक जाइगोट दो सेल में बटा, टू सेल स्टेज हुआ, अब जो दोनों सेल है टू सेल स्टेज, ये जरूरी नहीं है कि जो इनको बनाना है इसको वही बनाए, अगर जरूरत पड़े तो ये उससे अधिक भी बना सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक जाइगोट है, इसमें डिवीजन हुआ और ये दो सेल में बटा, अब ये देखिए दो सेल, मान लीजिए कि ये इंसान का जाइगोट है, इंसान का ब्लास्टुला बना, तो एक जाइगोट था पहले, अब ये डिवीजन होके दो हिस्से में बट गया, दो हिस्से में बट गया मतलब कि ये जब डेवलप होगा तो उस इंसान का आधा हिस्सा इस सेल से बनेगा और आधा हिस्सा इस सेल से बनेगा, ठीक है, दो सेल है ये पूरा, धीरे 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 पूरा इंसान बनाएगा, तो इंसान का आधा हिस्सा यहां से इधर का ये वाला सेल बनाएगा और यहां से इधर का ये वाला सेल बनाएगा, ऐसे ही तो होगा।
तो सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में इस सेल का भविष्य क्या है, उस इंसान के आधे हिस्से को बनाना, उसके इंद्रियो के आधे हिस्से को बनाना और इसका इधर वाले आधे हिस्से को बनाना। लेकिन अब मान लीजिए कि हमने इन दोनों को अलग कर दिया, किसी कारण से ये अलग हो गया, तब क्या होगा? अलग हो गया तो ये नहीं करेगा कि ये खाली आधा इंसान एक इधर बना दे और ये आधा इंसान इधर बना दे, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा इंसान नहीं बनाएगा जिसकी एक आंख हो, एक पैर हो, एक हाथ हो, ऐसा नहीं बनाएगा। ये फिर पूरा इंसान बना देगा और ये भी पूरा इंसान बना देगा, क्योंकि भले इसको बनाना था आधा इंसान लेकिन क्षमता भी है इसमें पूरा इंसान बनाने, पूरा इम्ब्रियो बनाने, पूरा इम्ब्रियो बनाने, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, यानी अभी डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हो गया है इसका भविष्य, ठीक है। अभी फ्लेक्सिबल है, शुरू में 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज इसमें ये फ्लेक्सिबल है, ये और कुछ भी बना सकता है। इंसेक्ट्स में क्लीवेज कि ये खासतौर से ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए सब ये सब नहीं है, पीजी वाले लोग इसको देखेंगे। इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ड्रोसोफिला में शुरू में डिवीजन्स, जो न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं उनके तुरंत बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स नहीं होते, और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 2, 4, 6, 8 न्यूक्लियस बने और एक ही सेल में कई न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसको हम सिंसिशियल स्टेज कहते हैं। सेल एक ही है, जाइगोट एक ही है, डिवीजन न्यूक्लियस का बस अंदर होता जा रहा है ना, यानी एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियाई बन गए, सिंसिशियल स्टेज बन गया। अब हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा शुरू होना होता है, उस स्ट्रक्चर को, यानी जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ उसको हम एनर्गिड कहते हैं। इस तरह से 8 डिवीजन तक एक साथ हो सकते। अब ये जो एनर्गिड्स हैं ये धीरे धीरे बाहर की तरफ, आउटर साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की तरफ मूव करेंगे। और जब ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर जाते हैं तब उसके बाद क्लीवेज फरो बनना शुरू होता है, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन शुरू होता है, ठीक है। अब इंसेक्ट्स में जो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जहां पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो, जैसे डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा की इंसेक्ट्स वगैरह में, यहां पर डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। और हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स जहां पर की इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जैसे ड्रैगन फ्लाइज वगैरह में, यहां पर जो क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। अब हम देखेंगे क्लीवेज पर योग का क्या असर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योग ऑन क्लीवेज। योग जो है ये साधारणतः क्लीवेज की प्रक्रिया को रोकता है, उसको धीमा कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ योग ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। तो जनरली जहां पर योग ज्यादा है तो अक्सर योग किसी एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और दूसरी तरफ जिधर न्यूक्लियस है वहां पर साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है, जिसमें कि योग कम है, उसको हम एक्टिव साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म जिसमें योग कम है और जहां न्यूक्लियस है उसको हम एक्टिव साइटोप्लाज्म। तो जो एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्लीवेज फास्ट होता है, तेज होता है, और जो योग लेडन साइटोप्लाज्म है उसको हम ड्यूटोप्लाज्म भी कहते हैं, जहां योग ज्यादा है वहां पर क्लीवेज धीमा धीमा होता है ना। जैसे समझ जाइए कि काटना है तो जहां पर ऐसी चीज है कि थिन है चीज, डेंसिटी कम है तो आसानी से आप काट लेंगे, और जिधर डेंसिटी ज्यादा है उधर कटने में टाइम लगेगा। तो अब इससे देखिए एक महत्वपूर्ण बात होती है, आप देखते हैं कि अक्सर जो फ्रॉग वगैरह का आप ब्लास्टुला देखते हैं उसमें पाते हैं कि एक तरफ के सेल्स ब्लास्टोमियस छोटे छोटे हैं और कई हैं, संख्या में ज्यादा है, और दूसरे तरफ के ब्लास्टोमियस बड़े बड़े हैं, संख्या में ज्यादा है लेकिन साइज में बड़े हैं, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, जिधर ब्लास्टोमियस छोटे छोटे हैं, साइज छोटी है, वहां संख्या ज्यादा है, और दूसरी तरफ ब्लास्टोमियस का साइज बड़ा है लेकिन संख्या कम है। साइज बड़ी है ब्लास्टोमियस की लेकिन संख्या कम है, ठीक है।
तो जिधर बड़ी साइज वाले ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनको मैक्रोमियर्स कहते हैं, जिधर छोटी साइज वाले ब्लास्टोमियर्स है उसको माइक्रोमियर्स कहते हैं। तो ये अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि जायगोट में जिधर योग ज्यादा था उधर धीमे धीमे डिवीजन हुआ कम स्पीड से, तो कम स्पीड से डिवीजन हुआ तो कम सेल्स बने, नतीजा हुआ कि वो साइज में बड़े रह गए। और दूसरी तरफ जिधर योग कम था उधर जल्दी 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 डिवीजन हुआ, जल्दी जल्दी डिवीजन होगा तो क्या होगा, जो सेल्स बन रहे हैं उनकी संख्या अधिक होगी और साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन के पहले ग्रोथ तो होता नहीं है। तो ये जो अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स बनते हैं माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स, इट इज ड्यू टू हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय योग इन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, योग के द्वारा क्लीवेज की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ योग मीन्स लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिससे एक में जितना ज्यादा योग होगा साइटोप्लाज्म उतना कम होगा। और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस अल्टर, यानी पोजीशन फिर न्यूक्लियस की पोजीशन बीच में नहीं रह जाएगी, जहां बहुत योग है वहां न्यूक्लियस धीरे से वो योग के से दूर थोड़ा रहना चाहता है, जहां बहुत ज्यादा योग है उधर नहीं रहना चाहेगा, जहां साइटोप्लाज्म है वहां रहेगा। तो अ डिस्प्लेस्ड न्यूक्लियस, यानी कि जिस न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज हो गई सेंटर से, कॉजेज अनइक्वल साइज ब्लास्टोमियर्स, उससे अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। और सेलुलर डिवीजन के समय जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट में भी योग रुकावट पैदा करता है। जो माइटोटिक स्पिंडल है या जो दूसरा ऑर्गेनल है उनको मूव करना है, जहां जरूरत है वहां जाना है, योग क्या करेगा उनके मूवमेंट में थोड़ी रुकावट पैदा करेगा, इसके भी स्पीड को ये कम कर देता है। तो योग के अमाउंट के आधार पर भी क्लीवेज के टाइप्स होते हैं। योग के अमाउंट के आधार पर कैसे कैसे क्लीवेज होंगे, टोटल और होलो मेटाबोलिक क्लीवेज। अब मान लीजिए कि ये योग है, सॉरी ये एग है, जायगोट है, और इसमें योग बहुत कम है, हल्का सा योग है और लगभग चारों तरफ फैला हुआ जो भी योग है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जब डिवाइड होगा, ये जब डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहां से क्लीवेज प्लेन चलेगा तो वो इस पार से लेकर इस पार तक गुजर जाएगा, क्यों, क्योंकि योग कम है, कोई हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। ठीक, तो जब जहां पर जायगोट पूरा डिवाइड हो जाए, जहां पर जायगोट पूरा डिवाइड हो जाए उसको हम कहते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक, होलोब्लास्टिक क्लीवेज मतलब कंप्लीट क्लीवेज, जहां मतलब यहां से डिवीजन शुरू हो तो इस पार तक जाए, यहां से शुरू हो तो इस पार तक जाए, आप सेब को पूरा काट दीजिए वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। अब अगर आपने सेब को बराबर टुकड़ों में काटा तो इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक, यानी क्लीवेज ऐसे हो रहा है कि जब हो रहा है तो दो बराबर साइज के सेल बन रहा है तो वो इक्वल होलोब्लास्टिक। अब दूसरा क्या है कि होलोब्लास्टिक तो है, यानी आप सेब को पूरा तो काट रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि चाकू बीच से लगाने के बजाय किनारे से काट लगा दिया, एक बड़ा पीस बन गया एक छोटा पीस बन गया, तो ये होलोब्लास्टिक तो है लेकिन अनइक्वल होलोब्लास्टिक है। ठीक है, तो टोटल और होलो मेटाबोलिक क्लीवेज जो है जिसमें कि एग पूरा डिवाइड होता है, ये दो तरह का हो सकता है, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक। और दूसरा है नीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसको हम पार्शल और इनकम्प्लीट क्लीवेज कहते हैं। यानी आपने सेब में चाकू लगाया और आपने काटते हुए गए, लेकिन एक तरफ आप जब चाकू आपका पहुंचा तो पता चला बड़ा हार्ड है, वहां पर कट ही नहीं रहा, तो आपने वहीं तक काट के छोड़ दिया। ठीक, नीचे वाला हिस्सा पूरा कटाई, दिस इज नीरोब्लास्टिक और पार्शल और इनकम्प्लीट क्लीवेज। तो मीरोब्लास्टिक भी दो तरह का हो सकता है, डिस्कॉइडल। डिस्कॉइडल क्या है, डिस्कॉइडल ये है कि जैसे कि ये पूरा एक एग है, जायगोट है, चारों तरफ इसमें योग बहुत ज्यादा भरा हुआ, ऊपर का ये जो हिस्सा है जहां हमारी उंगलियों के नाखून है यही ऐसा हिस्सा है इतना जिसमें कि योग कम है, एक्टिव साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी यही है,
अब इसमें क्या होता है, बर्ड्स में ऐसा ही होता है कि क्लीवेज इतने ही का हो रहा है, ऐसे कटा ऐसे कटा ऐसे कटा ऐसे कटा ऐसे, ये क्लीवेज फरो नीचे जा ही नहीं रहा। तो नतीजा क्या होगा, जब ब्लास्टुला बनेगा तो ब्लास्टुला किस शेप का होगा, ये जो पूरा स्फीयर वाला हिस्सा ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ, ये लगेगा कि जैसे कि कोई एक गोल सा बर्तन है और ये उसके ऊपर एक डिस्क शेप तस्तरी ढक्कन है जिस ढका हुआ, ठीक है, ये तस्तरी जो रखी हुई है इसी में डिवीजन हुआ। तो जो ब्लास्टुला बना वो तस्तरी के आकार का बना, डिस्क शेप्ड बन गया, इतने ही में बना, नीचे वाला डिवाइड ही नहीं हुआ, तो डिस्कॉइडल क्लीवेज ये हो गया, ठीक। ये बीरोब्लास्टिक है क्योंकि इनकम्प्लीट हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल में क्या होगा भाई, सुपरफिशियल में क्या होगा कि बाहर बाहर से, इसमें योक बीच में है, कुछ कुछ एक्स में योक कहां होते हैं, बीच में सेंटर में होते हैं, तो उसको हम सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। और सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है कि डिवीजन बस बाहर बाहर हो गया, डिवीजन बाहर बाहर हो गया, तो इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। लॉज ऑफ क्लीवेज, ये पीजी वाले लोग ही ये सब नोट करेंगे, सैक्स लॉज, ये सब कुछ सिंपल लॉज हैं, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। सैक्स लॉज ये सब बहुत पुराने लॉज हैं, इसमें क्या कहा है इन्होंने, सैक ने कहा कि हर सेल की टेंडेंसी होती है कि दो बराबर हिस्से में बटे, किसी दूसरे कारण से ना बट पाए वो अलग बात है, लेकिन टेंडेंसी यही होती है कि वो दो बराबर हिस्से में बटे, और हर नया डिवीजन प्लेन इसकी टेंडेंसी होती है कि पूरा पहले वाले डिवीजन प्लेन के राइट एंगल पर चले, ठीक है। हार्डविक्स लॉस, न्यूक्लियस और माइटोटिक स्पिंडल, ये न्यूक्लियस और माइटोटिक स्पिंडल ऑक्युपाई द प्रोटोप्लाज्मिक डेंसिटी, ये इसमें लिखना छूट गया है, सेंटर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक डेंसिटी होना चाहिए, यानी न्यूक्लियस और माइटोटिक स्पिंडल कहां रहना चाहते हैं, सेंटर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक डेंसिटी, यहां सेंटर ऑफ छूट गया, सेंटर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक डेंसिटी में रहना चाहते हैं। बालफोर्स लॉ, स्पीड ऑफ क्लीवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक, जितना योक ज्यादा होगा स्पीड ऑफ क्लीवेज उतना ही कम होगा। फ्लुगर्स लॉ, फ्लुगर्स लॉ में माइटोटिक स्पिंडल हमेशा क्या करता है, इलोंगेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिधर सबसे कम रुकावट है, जिधर सबसे कम रुकावट है, यानी जिधर सबसे कम योक है उसी दिशा में वो फैलना चाहता है, उसी दिशा में वो इलोंगेटेड रहना चाहता है। दीज आर लॉज ऑफ क्लीवेज। अब ये आया कि ये तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है क्लीवेज में, इसके लिए कुछ थियरी, स्पिंडल इलोंगेशन थियरी, एक्सपेंडिंग सरफेस थियरी, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग थियरी, इसमें ये थियरी यही ज्यादा एक्सेप्टेड है। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग थियरी कहती है कि ये जाइगोट है और इसका डिवीजन होना है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो जहां साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है यहां पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है, जो एक्टिन और मायोसिन जिससे हमारे मसल्स बने होते हैं उन प्रोटीन्स की ये बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन की, और वो एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन से ये डिवीजन साइटोप्लाज्म का हो जाता है, एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा ऊपर बन जाता है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज, ये सब पीजी लेवल पर ही इसकी जरूरत है, यूजी में नहीं। फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ क्लीवेज, यानी क्लीवेज के दौरान क्या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ता है, एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होता है, क्योंकि क्लीवेज के दौरान एनर्जी की खपत काफी होती है। लेकिन इसके साथ एनाबोलिक एक्टिविटीज भी होते हैं, डीएनए की सिंथेसिस बढ़ जाती है, आरएनए के नहीं, क्योंकि हर बार जितनी बार सेल डिवीजन होगा, हर सेल डिवीजन के पहले डीएनए का रेप्लिकेशन जरूरी है, इसलिए डीएनए का सिंथेसिस तो जल्दी जल्दी होता है, आरएनए का नहीं होता है, उसका समय ही नहीं मिलता है, प्रोटीन का भी होता है। यहां देखिए कि क्लीवेज में एग में जब आप देख रहे हैं कि जब डीएनए का सिंथेसिस बढ़ रहा है, डीएनए का सिंथेसिस बढ़ रहा है, तो आरएनए का सिंथेसिस घट जा रहा है उस दौरान। शुरू में आरएनए का ज्यादा था, लेकिन आरएनए का सिंथेसिस कम हो गया, चाहे मैसेंजर आरएनए भी
ट्रांसफर आरएनए में भी इधर कम हो गया, राइबोसोमल आरएनए भी इधर कम हो गया, है ना। क्लीवेज के दौरान डीएनए का बढ़ा है लेकिन बाकी सब आरएनए का, तीनों आरएनए का कम हो गया है। प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के फलस्वरूप बनता क्या क्या है। क्लीवेज के बाद पहला जो स्ट्रक्चर बनता है सॉलिड स्ट्रक्चर होता है मोरूला, सॉलिड क्लस्टर ऑफ ब्लास्टोमियर्स, है ना। अभी भी इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। अगर आइसोलेस्थल एक था तो मोरूला के सेल्स बराबर साइज के होते हैं। मोरूला बनने के बाद एक ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया होती है जिससे ब्लास्टुला बनता है। तो ब्लास्टुला में क्या होता है, जैसे जैसे क्लीवेज आगे बढ़ता है मोरूला में सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। अब जो सेल्स होते हैं मोरूला के उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स अब आपस में एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होते जाते हैं और अब ये पेरिफेरी पर सारे अरेंज हो जाते हैं। पहले तो ये जैसे आप सेब को काटते गए तो पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर था, हर जगह पीसेस थे, लेकिन वो जो पीसेस हैं सेब के अब वो धीरे 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 अपने को पेरिफेरी पर अरेंज कर रहे हैं और एक दूसरे से टाइटली अटैच हो जा रहे हैं। तो टाइटली अटैच हो गए, जब वो पेरिफेरी पर सब अरेंज हो जाएंगे तो बीच में क्या होगा, जगह खाली हो जाएगी। तो ऐसा ही जायगोट में होता है, ब्लास्टुला में होता है। ब्लास्टुला के बीच की जगह धीरे धीरे खाली हो जाती है, उसको उस खाली जगह को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। क्योंकि वो जो ब्लास्टोमियर्स थे वो कहाँ गए, वो सब सरफेस पर अरेंज हो गए एक दूसरे से टाइटली अटैच होकर। तो टाइटली अटैच होकर सरफेस पर जब अरेंज हो गए तो वो एक खोल जैसा बन गया जिसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, एक एपिथीलियम जैसा स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, है ना। अब इन ब्लास्टोमियर्स के बीच में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर जाते हैं जो कि उनको टाइटली बांधे रखते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं टाइट जंक्शंस, उनको कहते हैं डेस्मोसोम्स कहते हैं। वो डेवलप होते हैं, वो ब्लास्टोमियर्स को टाइटली एक दूसरे से बांध के रखते हैं, ठीक है। तो ये ब्लास्टुलेशन होता है कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो यानी इसका मुख्य बात है कि कैसे वो सेल पेरिफेरी पर जाके और एक ब्लास्टोडर्म का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। इसके लिए दो थियरी हम लोग के पास है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थियरी है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर थियरी, इसमें ये थियरी कहती है कि जो बीच में ब्लास्टोसील है, बीच में ब्लास्टोसील है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, भरता जाता है, और उस फ्लूइड, वो फ्लूइड ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि सारे सेल्स जो है वो पेरीफेरी पर अरेंज हो जाते हैं। दूसरी थियरी है सरफेस टेंशन थियरी है, ये गुस्टाफसन वुल्पर्ट की थियरी है। ये कहती है कि नहीं, जो जो सेल्स हैं उनके बाहरी लेयर में सरफेस टेंशन बढ़ता जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ता जाता है जिससे कि वो एक स्फीयर की तरह से अपने को अरेंज कर लेते हैं। तो इस थियरी के अनुसार सरफेस टेंशन बढ़ने से ये ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो फिर जैसा एग का शेप था, जैसा जो जायगोट का जो टाइप था उसके अनुसार ही ब्लास्टुला के भी कई टाइप हो जाते हैं। ब्लास्टुली इज द प्लूरल ऑफ ब्लास्टुला, कई तरह के ब्लास्टुला बनते हैं। सीलो ब्लास्टुला सामान्यतः, जैसा मैंने बताया बीच में अंदर सेंटर में हॉलो स्पेस अगर है तो उसको हम सीलो ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला विद सेंट्रल हॉलो स्पेस, ये इकाइनोडर्म और एम्फियोक्सिस में पाया जाता है सीलो ब्लास्टुला। लेकिन हर जगह कैविटी ये नहीं होती है, सेंट्रल कैविटी नहीं होती है, ब्लास्टोसील नहीं होता। सीलो ब्लास्टुला में क्या होगा, सेंट्रल में ब्लास्टोसील, ये जो हॉलो, इट इज अ हॉलो स्फीयर। हॉलो क्या है उसका हमने नाम लिखना छूट गया है, दैट इज द ब्लास्टोसील। और स्टीरियो ब्लास्टुला में क्या होता है कि कोई कैविटी नहीं होती है, ठीक है। ये एनिलिड्स और मोलस में अंदर कोई कैविटी नहीं होती है ब्लास्टुला में, इसलिए इसको स्टीरियो ब्लास्टुला। डिस्को ब्लास्टुला, डिस्क शेप ब्लास्टुला, जैसा बर्ड में हम लोगों ने चर्चा किया, डिस्क शेप्ड जो क्लीवेज होगा डिस्को ब्लास्टुला बनेगा, है ना। सिर्फ एक ही हिस्से में क्लीवेज हो रहा है, बाकी पूरा हिस्सा, मेजर हिस्सा अनक्लीव्ड रह गया, ठीक है। ये नीरोब्लास्टिक क्लीवेज ये होगा। एम्फी ब्लास्टुला, अब जैसे सीलेंट्रेट्स में, साइकॉन में होता है, ब्लास्टुला में दो तरह के सेल्स बन जाते हैं, एक तरफ से फ्लैजिलेटेड होते हैं, दूसरी तरफ नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो जहां एक ही ब्लास्टुला में ऊपर नीचे अलग अलग तरफ दो तरह के सेल बन जाएं, एक हाफ में फ्लैजिलेटेड हो, दूसरे हाफ में राउंडेड हो, ग्रैनुलर हो, इसको हम एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट, ये मैमल्स में बनता है, सिस्ट के आकार का,
कुछ कुछ ये बर्ड के ही जैसा होता है और इसको हम यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो दिस वॉज अबाउट ब्लास्टुलेशन, लीवेज ब्लास्टुलेशन, और इसका हम क्लास भी आप लोगों को जल्दी ही लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।